स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे चिली पटैटो। चिली पटैटो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। ये एक चाइनीज़ रेसिपी है। इसको हम बड़ी ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसे गैस पे रखकर उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम पटेटो में कॉर्नफ्लोर और मैदा मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए, जिसको मैंने अच्छी तरह धोकर टिश्यू पेपर से ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टीस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पटैटो हमारे कॉर्नफ्लोर और मैदा में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको तलना शुरू करते हैं। इसको हम 2 बार में तलेंगे। पटेटो हमारे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए आलू भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। तब तक हमारे आलू तलते हैं, तब तक मैं एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर का घोल बना लूंगी। 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका एक घोल बना लूंगी। घोल हमारा बन गया है। अब मैं इसको एक साइड रख दूंगी। पटैटो हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। सेम कढ़ाई ली है मैंने। आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है। लहसुन लिया है आधा चम्मच के करीब। कद्दूकस कर लिया है मैंने। ये नॉर्मल चम्मच है जो हम घर पे आमतौर पे यूज़ करते हैं। इसको चला लेंगे। आधा चम्मच अदरक है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज है, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। प्याज को 1-2 मिनट के लिए चलाना है। ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगी है, हमें ऐसे ही रखना है इसको। एक लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च ली है, इसको भी 1-2 मिनट तक चलाना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें। शिमला मिर्च भी हमारी तैयार है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डाल दूंगी। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। अब मैं इसमें पटेटो डालकर मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर का घोल बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने पहले डाला था। घोल डालते वक्त गैस का फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए। 1/4 टीस्पून से भी आधी मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, इसको डाल दूंगी मैं। आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। नमक हमने पहले ही डाला था, अभी नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। चिली पटेटो हमारा बन करके तैयार है। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व करूंगी। आप भी चिली पटेटो बनाइए और अपने अनुभव कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।